दोस्तों सेबी का रूल आते हैं कि मल्टी कैप फंड्स को कम से कम 25% स्मॉल कैप और 25% मिड कैप इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो लोगों को लगा कि भाई अब तो बहुत लंबा पैसा आएगा स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, तो सब लेने भागे। अगर उस कारण से मिड कैप और स्मॉल स्टॉक्स बढ़ा और बढ़ेगा, हो सकता है आगे भी बढ़े। यहाँ भी आपको बहुत जरूरी है कि आप सही कंपनीज खरीदें, अच्छे कंपनीज खरीदें, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो। अगर आप बेकार कंपनीज खरीदोगे ये सोचेंगे कि सब फंड्स यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स भी वही कंपनीज खरीदेंगे जो अच्छे कंपनीज है, तो आपका रिसर्च वर्क करना बहुत जरूरी है। नहीं तो होगा क्या कि एक बार तो हो सकता है प्राइस बढ़ जाए मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स का, पर उसमें क्या आधे जो स्टॉक्स बढ़ेंगे तो ऑपरेटर के कारण बढ़ जाएगा, फालतू में बढ़ेगा, और फिर जब वो गिरेगा ना तो ऐसा गिरेगा कि आप उसको बेच ही नहीं पाओगे, और जब बेच नहीं पाओगे उसमें सर्किट लगते रहेगा, तो आप जिस दाम में खरीदे हो उससे भी आधा हो जाएगा दाम, या जीरो भी हो सकता है अगर वो बहुत पेनी स्टॉक हो, जैसे सिर्फ 4-5 रुपए का स्टॉक हो, तो ये भी हो सकता है। साथ साथ दोस्तों बहुत से म्यूचुअल फंड जो मल्टी कैप वाले, वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है हम रादर देन इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप एंड कैप हम उसको लार्ज कैप फंड बोल देंगे, तो झमेला नहीं रहेगा, तो मुझे निकालना ही होगा, कोई पैसा निकालने नहीं पड़ेगा उस फंड से। इनफैक्ट दोस्तों लोग ये भी सजेस्ट करें कि फ्लेक्सी फंड क्यों नहीं क्रिएट हम लोग कर लेते, जिसमें हम लोग जैसे मन है वैसे इन्वेस्ट करें, चाहे हो सकता है 100% लार्ज कैप में उसमें हो या 100% स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, जैसे भी वुड बी फ्लेक्सी फंड, तो एकदम क्लियर है इन्वेस्टर्स के सामने। दूसरा बात ये भी है कि यहाँ जनवरी तक उनको समय दिया गया, तो काफी समय है। तीसरा ये भी कि हो सकता है सेबी अपना कुछ उनको उनका बात सुन के कुछ इजी कर दे, और ऐसे में एग्जैक्टली ये फिगर्स रहे, हो सकता है परसेंटेज कम कर दे, ऐसा कुछ होगा तब क्या होगा, अभी जो बढ़ है वो वापस नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अभी तो इसलिए बढ़ है ना क्योंकि सबको लग रहा है कि भी उसमें बहुत पैसा निवेश होने वाला है। वेल अगर थोड़ा भी सेबी का चेंज आ गया रूल्स, जो चांसेस हाई, बिकॉज ये लोग सब फंड्स लोग सब सेबी को बोले कि भाई आप कुछ इसमें कुछ राहत दो हम लोग को, कुछ परसेंटेज कम करो या कुछ उसमें चेंजेस लाओ, जैसे कि फ्लेक्सी फंड का क्रिएशन हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वापस गिर जाएगा दाम। तो ये जो बेसिस जिसके ऊपर गिर है वो बेसिस बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है, इट्स नॉट स्टैंडिंग ऑन अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन, तो गिरने का चांस भी हाई है, बिकॉज फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के ऊपर अभी बढ़ा नहीं है दाम। तो इस स्टेज में बहुत केयरफुल अपने को रहना है और फालतू में निवेश नहीं करना है ऐसा वैसा स्टॉक में। अब दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक्स रिस्की स्टॉक्स क्यों है, वेल रुचि सोया से बढ़िया उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ये स्टॉक का बहुत ही लजबदस्त स्टोरी है फ्रॉम मार्च टू अभी तक का, और इसी के बारे में आपको बताऊंगा, एकदम खुलासा करूंगा, और एक्चुअली क्या हुआ स्टॉक के साथ इस बारे में पूरा टोटल आपको डिटेल्स देने वाला हूं। तो दोस्तों ये कंपनी बेसिकली क्रूड पाम ऑयल को प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करती है इंटू रिफाइंड ऑयल, और जैसे जो मेजर ब्रांड्स हो गए जैसे न्यूट्रेला, महाकोश, सनरिच, ये सब इनके ही ब्रांड्स है, तो काफी बड़ा कंपनी, डेफिनेटली क्वाइट अ बिग कंपनी। दोस्तों हुआ क्या, 2011 में इंडोनेशिया ने इंक्रीज कर दिया एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन क्रूड पाम ऑयल। अच्छा, ये मेनली इसका रॉ मटेरियल था इस कंपनी का, अब वहाँ इंक्रीज होने से ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इंक्रीज हुआ है अपना रॉ मटेरियल का प्राइस, वो अपने पास ऑन कर देंगे कस्टमर्स को। दोस्तों ऐसा कंपनी कर नहीं पाए क्योंकि इंडोनेशिया ने क्या किया, उन्होंने जहाँ इंक्रीज कर दिया एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन क्रूड पाम ऑयल, उन्होंने डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन रिफाइंड पाम ऑयल। अब रिफाइंड पाम ऑयल आपका इसका मेन प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट बेचती थी, क्या हुआ क्या, रॉ मटेरियल में इसका दाम बढ़ गया और एंड प्रोडक्ट में इसको घटा के बेचना पड़ा, तो इंक्रीज हो गया रॉ मटेरियल का प्राइस और घटा के बेचना पड़ा है, तो वहां भी मार्जिन कम हुआ और यहाँ भी मार्जिन कम हुआ, तो बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हुआ कंपनी। जितने भी कंपनी इससे लेती थी माल, वो लोग बोले कि भाई देखो वहां का माल हमको सस्ता पड़ा इंडोनेशिया का, तो आप अपना दाम गिराओ तो इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर लेंगे, तो कंपनी को अपना दाम गिराना पड़ा अपना फिनिश प्रोडक्ट्स का, तो दोनों तरफ से हिट हो गया, परचेज से भी हिट हुआ और सेल से भी हिट हुआ, दोनों जगह इसके मार्जिन इंपैक्ट हुए, तो इससे बहुत बड़ा धक्का मिला कंपनी को। इसके बाद हुआ क्या, कंपनी सोचे कि चलो अपना धक्का मिला पर अपने को सेल तो बढ़ाना है, तो आराम से उधार बेचने लगी। अब उधार जहां बेचने लगी वो रिकवरी नहीं कर पाई, लंबा उधार बेच दी कि अपना सेल बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, रिकवर करने का ठिकाना नहीं, और फाइनली क्या उधार दे देते 5,000 करोड़ उधार दे दी, और फाइनली अपना हाथ खड़ा कर दी, बोले कि भाई अब तुम उनसे उधार दे दिए, अब उनसे ले नहीं पा रहे हैं, तो भाई अब क्या करे, अब कैसे लोन चुकाए बैंक्स को। 2017 में जो कुछ बैंक्स थे वो इसको बैंकरप्सी कोर्ट की तरफ ले गई, फाइनली रिजॉल्व हो गया, और ये बात हुआ कि चलो पतंजलि जो ने बिड किया था उनको मिल गया एक कंपनी, और पतंजलि ने कहा कि चलो हम 4,000 करोड़ रुपये में इसका कंपनी एक खरीद लेंगे। अब क्या है, ये कंपनी रुचि से ओन करती थी 9,000 करोड़ बैंक्स को, और पतंजलि खरीदी 4,000 करोड़ में, तो बेसिकली 4,000 करोड़ ही क्रेडिटर्स को मिला, बैंक्स को मिला, बाकी 5,000 करोड़ तो गया काम से, बैड डेट हो गया उनका, बेकार हो गया, तो बेसिकली आधा पैसा भी लोग रिकवर नहीं कर पाए। अब यही नहीं होता स्टोरी, इसके बाद आप बात सुनेंगे तो आप बोलेंगे माय गॉड ऐसा भी हो सकता है। अब मजे की बात यह हुआ कि पतंजलि जिन्होंने ये कंपनी खरीदा उसने 4,000 करोड़ में जरूर खरीदा, पर 4,000 करोड़ पूरा अपने किटी से पैसा नहीं निकाला, केवल 1,000 करोड़ निकाला, बाकी 3,000 करोड़ उन्हीं बैंक से उन्होंने बोरो किया जो बैंक्स को ओ करती थी रुचि सोया। तो बेसिकली बैंक्स को उसने प्लेज कर दिया पूरा 99% ऑफ द शेयर्स, तो इफेक्टिवली 5,000 रुपये तो गए पहले, और वापस उसी कंपनी में वापस ये बैंक निवेश कर लिए 3,000 करोड़ का शेयर्स खरीद के, जो प्लेज सिक्योरिटी था बाय पतंजलि। तो आप समझ रहे हो ना कि क्या मजाक हुआ है,
और बैंक्स को लगा कि चलो ठीक है 4,000 रुपया हमको मिल सकते हैं 3,000 रुपया वापस इन्वेस्ट करके, तो बेसिकली 1,000 रुपया वापस रिकवर करने के लिए वापस एक बैंकक्रप्ट हुआ कंपनी में उसने वापस से इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों यहाँ बैंक्स का क्रेडिटर्स का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ स्मॉल हम जैसे आप जैसे शेयर होल्डर्स का। अब हम लोग का क्या हुआ कि हर 100 शेयर के पीछे एक शेयर दिया गया, जब नया कंपनी जब पतंजलि ली और उसको नया ढंग से वापस रिवाइव की, तो हर 100 शेयर जो पहले होल्ड करती थी जितने भी शेयर होल्डर्स उनको हर 100 शेयर के बदले सिर्फ एक शेयर दिया गया। तो कितना बड़ा नुकसान इमेजिन कर सकते, मतलब सीधा 100 रुपया का बेसिकली 1 रुपया हो गया। तो आप समझ रहे हो अगर आपका 1,00,000 रुपया इस कंपनी में इन्वेस्टेड था सीधा 1,00,000 रुपया का 1,000 रुपया वैल्यू हो गया। अब दोस्तों हुआ क्या, 27 जनवरी को वापस रिलीज हुआ इस कंपनी के शेयर्स, और रिलीज होने के बाद 16 रुपया का शेयर 1,500 रुपये तक गया, मतलब 9,000% का रिटर्न दिया है। वेल आपको लगेगा वाह अब जितने भी शेयर होल्डर्स सबको तो कमाई हो गया वापस कहीं ज़्यादा हो गया, पर अब क्या था कि ये जो नई कंपनी था जो वापस रिलीज होने के बाद सिर्फ 1% पब्लिक के पास था, ओनली 1% ऑफ इट्स एंटायर शेयर्स। तो हार्डली कुछ है पब्लिक के पास, हार्डली कुछ ओपन मार्केट में डील होता है, और होता क्या है कि जितना भी भागता है शेयर ऊपर या नीचे वापस गिरता है तो सब ऑपरेटर्स के हाथ में या कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स के हाथ में जिनके पास शेयर्स है, ओपन मार्केट में हार्डली कुछ है, तो आपका हाथ में कुछ है ही नहीं गेम। मतलब आपको पता नहीं लगा कि किस तरह से बढ़ा और एक झटके में ऐसा गिरेगा कि आप उसको बेच भी नहीं पाओगे, सर्किट लगते रहेगा। तो ये हाल है इस कंपनी का, तो बहुत ही रिस्की है, हो सकता है आपका कमाल हो जाए, भाई तो काइंड ऑफ गैम्बलिंग है ना, कैसीनो में वैसे खेलो ना। मैं तो कहूँगा इससे बेटर तो इससे ज़्यादा सेफर तो कैसीनो है, एटलीस्ट रूले में आप 36 में 1 में लगाते हो तो आपको सीधा 35 गुना मिलता है, वो बेटर है राधे से, क्योंकि कंपनी का भरोसा नहीं है, हो सकता है वापस वही 14 रुपये तक आ जाए 1,500 से क्या पता। तो बैंकक्रप्ट हुई हुई है कंपनी और अभी पतंजलि चला रही है, पर ये भी तो बेसिकली पैसा जो पूरा प्लेस्ड है सिक्योरिटी, तो अगर बैंक कभी उस सिक्योरिटी उसका बेच दे सब शेयर बेच दे तो बुरा हाल हो जाएगा अगेन। तो अगेन बहुत रिस्की है, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है स्मॉल कैप स्पेस में जिनका ये बुरा हाल है। और अब समझ लो कुछ के दाम बहुत गिरे हुए, अब उनके बहुत दाम बहुत गिरे हुए तो ऐसा नहीं कि वो सस्ते हैं, उनके दाम गिरे हुए मतलब कोई कारण है, कुछ गड़बड़ है कंपनी में इसलिए दाम इतना गिरा हुआ है। तो बहुत जरूरी समझना कि क्यों गिरा हुआ है। जनरली देखिए दोस्तों जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं ना उनका हाल खराब ही रहता है, उनका किसी का भी फाइनेंशियल उठा के देख लो फाइनेंशियल का हाल बहुत खराब है, बहुत डेट होगा, अच्छा खासा लोन होगा, मतलब बुरा हाल है बेसिकली कंपनी का। तो सब कंपनी में क्यों अभी निवेश करते हो, ऐसे अच्छे अच्छे कंपनीज का बुरा हाल है उनका तो आप सोचते थे मतलब लिटरली लोग तो लिटरली अंडर वाटर चले गए ये हाल हो गया, तो ऐसा कंपनीज में क्यों निवेश करना। चाहे कुछ पैसा आ भी जाए तो आपको लगे भाई अब इनका प्राइसेस बने लगे, हो सकता है ठीक हो गया, बिल रुपया इसलिए के ऑपरेटर लोग हो सकता है चलाना शुरू कर दे इनको, वो लोग जानते हैं ना कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स वो लोग इसमें लगाएंगे पैसा और इसको बढ़ा के फिर लोग ऐसा कराएंगे कि आप निकल ही नहीं पाओगे, पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। तो यही तो मौका है उनको मिला, बहुत अच्छा मौका मिला है, सब टीवी न्यूज चैनल में सब जगह रखे भैया बहुत पैसा आने वाला है इनमें, पैसा आएगा पर कितना पैसा और बहुत कम कंपनीज में आएगा, क्योंकि बहुत कम कंपनीज है स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में, 1,000 कंपनी में जो एक्चुअली बहुत अच्छी कंपनीज है जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे जिनके मैनेजमेंट एकदम जेन्यून है एकदम क्लीन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने और लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।